Assalamualaikum everyone, this is BC and Maz Gilani और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल Maz Electronics। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ कि मुकम्मल एक 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी किस तरह बनाई जाती है। आपको पता गर्मी आ चुकी है, हर बंदा 5 किलोवाट 10 किलोवाट के लिए अच्छी बैटरी की तलाश में है या अच्छी बैटरी ढूंढ रहा है। तो आज मैंने सोचा अपने कस्टमर्स अपने व्यूवर्स के लिए जो है 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी बनाना सिखाऊं कि उसके लिए कौन सा BMS कौन से सेल कितने सेल किस तरह वायरिंग सब कुछ मैं डिटेल से बताने वाला हूं। और आज की जो वीडियो है इसमें अंदर जो हम बैटरी रेडी करने वाले हैं ये हमारे स्पेशल कस्टमर के लिए रेडी करने वाले हैं जो कि है इम्तियाज़ तसव्वुर साहब जो कि झेलम से हैं। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है ये 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी के लिए, तो उनके लिए रेडी कर रहे हैं। जो जल्दी से हम बैटरी को यहाँ पर लेता हूँ, मैं आपको बैटरी को दिखाता हूँ। तो ये क्या आ गया भाई, ये तो नहीं है भाई 48 वोल्ट की सारी लगते जादू गलत हो गया ये। तो ये आ चुकी जी हमारे पास 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी, मुकम्मल बैटरी आज हमने रेडी कर ली इस वीडियो के अंदर। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा जिसके अंदर आपको तरीका सिखाया जाएगा किस तरह एक मुकम्मल 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी और 5.12 किलोवाट आवर की है बैटरी। और इसका सबसे अच्छी बात है कि इसका बैकअप बहुत कमाल का और लाइफ इसकी 5 साल है। इसको बनाने में बड़ी मेहनत हुई है क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा, कम से कम 45 या बल्कि 50-55 किलो वजन है इसका, जिसको उठाकर इसके ऊपर हीट स्लीव चढ़ाना, सेलो की वायरिंग करना बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट काम है। तो अगर आपने आज तक 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की मुकम्मल वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लेना। और अगर आप हमसे जो है ऑर्डर देके इस तरह की बैटरीज रेडी करवाना चाहते हैं 48 वोल्ट 50 एम्पीयर से लेकर 200 एम्पीयर तक की हम बैटरी रेडी करते हैं, तो टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, व्हाट्सएप का नंबर दिया है वहाँ से ऑर्डर कर लेना। और अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और मैं सिखाता हूँ किस तरह इसको मैंने बनाया है। चलिए जी बारी आ चुकी है आज हमारे 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी बनाने की। तो ये इस तरह की हमने मुकम्मल बैटरी रेडी करनी है 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की, उसके लिए हमें यूज़ करना है लिथियम सेल। तो बहुत से लोग कहेंगे भाई कितने सेल यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं 16 सेल का एक पैक, 16 सेल का एक पैक, साथ में एक 48 वोल्ट का 50 एम्पीयर का BMS, एक 48 वोल्ट 50 एम्पीयर का BMS, दोनों को कर देंगे पैरेलल और हमारी बैटरी बन जाएगी 48 वोल्ट 100 एम्पीयर में। तो इसको बनाने के लिए जो शक्ल बनेगी तकरीबन इस तरह की शक्ल बनेगी, मुकम्मल एक हैवी ड्यूटी बैटरी बन जाएगी। तो जल्दी से बैटरी बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हम जो है हाई क्वालिटी सेल करें जो कि 25 एम्पीयर का सेल है, लिथियम आयरन फॉस्फेट ब्रांड न्यू फ्रेश सेल इस्तेमाल करेंगे और नीचे हम लकड़ी का बेस इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसके अंदर मुकम्मल अपनी बैटरी को फिट कर सकें, क्योंकि बैटरी का वजन बहुत ज़्यादा हो जाना, कम से कम इसका वजन 45 भी नहीं बल्कि 55 किलो, जब मैंने इसका वेट किया था तो 55 किलो वजन इसका बन रहा था, तो बहुत भारी बैटरी बन जाती, मन के वजन से भी ज़्यादा हो जाती है, एक मन से ज़्यादा। आपको पता है एक मन का वजन 40 किलो में होता है और 40 किलो का वजन एक हैवी वजन होता है, तो ये 55 किलो की बैटरी बनेगी सबसे हैवी ड्यूटी। आज तक मैंने जितनी बैटरी बनाई है उनमें से एक बैटरी है और सबसे जो है पावरफुल बैटरी होने की वजह से इसका लोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर आपको लिथियम आयन फॉस्फेट सेल में इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए आप अच्छी जो है ना बैकअप भी आपको मिलता है, अच्छी कैपेसिटी मिलती है और सेल की अच्छी लाइफ भी मिलती है। अब बहुत से लोग कहेंगे इतने सारे सेल क्यों लगाएं, इससे अच्छा बड़ा सेल लगा लेते हैं। भाई छोटे सेल लगाने का फायदा यह है कि कल को बैटरी आता है तो आप इजीली छोटे सेल चेंज कर सकते हैं, और इनका सबसे अच्छा फायदा यह है कि छोटे सेलों में फॉल्ट कम आता है बड़े नए सेल की नस्बत, क्योंकि बड़ा सेल एक तो महंगा भी होगा और अगर उसमें एक फॉल्ट आया था तो वो पूरा सेल डेड होता है और जिसकी वजह से आपकी पूरी बैटरी डिस्टर्ब होती है, और इन सेलों को लगाने से आपकी बैटरी डिस्टर्ब नहीं होती और आपको जो है एक अच्छा बैकअप और अच्छी लाइफ भी मिलती है बैटरी की। हमने इसके साथ टेपिंग शेपिंग लगा के जो मुकम्मल रेडी कर लिया, उसके बाद बेस के ऊपर अच्छी तरह टेपिंग कर लिया ताकि ड्यूरिंग जो है डिलीवरी या कहीं इन एक्सपोर्ट के दौरान इसको जो है कोई मसला ना हो, कहीं भी हम इसको भेजें। उसके बाद हम इसके साथ थंबल वगैरह लगा रहे हैं, थंबल के साथ इसकी पत्रियाँ वगैरह कॉपर की लगा रहे हैं, तांबे की अच्छी पत्रियाँ इस्तेमाल करते हैं। और ये BMS है 48 वोल्ट 16 एस लिथियम आयरन फॉस्फेट, डेली का ओरिजिनल BMS इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी है, और इसके अंदर टेम्परेचर प्रोटेक्शन होने की वजह से अगर बैटरी ज़्यादा हीट होती है तो ये ट्रिप करवा देगा, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसके अंदर वैसे काफ़ी सारे फंक्शन है BMS में, ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर उसके बाद शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इस तरह के बहुत सारे जो है ना प्रोटेक्शन भी हैं। तो अब हम नट शट टाइट करके अपने BMS की फिटिंग करते हैं, BMS को टेपिंग शेपिंग लगा के मुकम्मल रेडी करते हैं, और ये बैटरी मुकम्मल जो है रेडी हो रही है 48 वोल्ट 100 एम्पीयर के लिए, जो कि 5 किलोवाट के सिस्टम में इस्तेमाल होगी। आप इसको 10 किलोवाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका डबल UPS आप चाहते हैं, बड़ा बैकअप चाहिए हमें, तो आप 48 वोल्ट 100 एम्पीयर के दो पैक भी बना के लगा सकते हैं। आप हमसे ऑर्डर करवा सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको हर किस्म का ऑर्डर हमसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकम्मल वायरिंग शेयरिंग करके आपके भाई ने मुकम्मल रेडी कर लिया, और कम से कम ये 2 दिन में मुकम्मल बैटरी रेडी हुई है, क्योंकि इसको बनाने में 2 दिन लगे, बहुत बैटरी वजनी भी थी और काम भी बहुत ज़्यादा करना था, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग कहते हैं भाई महंगी बैटरी बहुत है, इतनी महंगी बैटरी लेने का क्या फ़ायदा, भाई महंगी तो है लेकिन क्वालिटी भी है और क्वालिटी होने की वजह से आपको अच्छा बैकअप भी देती है। और यहाँ पर सारी बैलेंस की वायर लग चुकी हैं, नेगेटिव की वायर लग चुकी है सिंगल BMS की, और उसके बाद आउटपुट के लिए जमा की वायर यहाँ पर
निकलाई है और उसके बाद दूसरे BMS की नेगेटिव की वायर लग चुकी है, आउटपुट की वायर लगा दी है, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब यारी सारी जितनी भी तारे शारे उन सबको कवर करना है, उसके बाद मेन वायर लगानी है आउटपुट के लिए, जो कि जमा के लिए ग्रीन तार इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये 10 mm की मोटी तार है हैवी ड्यूटी, इसके ऊपर हम हीट रेजिस्टेंस स्लीव चढ़ाएंगे ताकि आग लगने से तार को ख़राब ना हो या शॉर्ट सर्किट से तार ख़राब ना हो, और उसके बाद थंबल शंबल लगा के हम इसको टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं तकरीबन बैटरी जो है हमारी 80-90% रेडी हो चुकी है, सारी वायरिंग हो चुकी है, सारी तारें शारे लग चुकी हैं। अब बारी आ चुकी है सबसे सख्त मरहल जो है ना इसके अंदर, वो है कि इसको पैक करना, क्योंकि इसके अंदर हीट शेयरिंग जो चढ़ानी है वो बहुत मुश्किल से चढ़ती है, और हीट शेयरिंग चढ़ाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका वजन है इसको हिलाना भी उतना ही मुश्किल है। एक बंदा इसको ना उठा सकता ना हिला सकता, बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया और हम दोनों मिलकर इसके ऊपर हीट शेयरिंग चढ़ाएंगे। इसके ऊपर मुकम्मल वायरिंग करने के बाद इसका मीटर शीटर भी लगाएंगे। हीट शेयरिंग जो स्लीव चढ़ानी है या कवर चढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी वजनी बैटरी के ऊपर चढ़ाना है एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, और इतनी मोटी वायर्स को संभालना और इसके ऊपर चढ़ाना, फिर इसके ऊपर हीट शेयरिंग चढ़ाने के बाद इसके ऊपर मुकम्मल इसको हीट से कवर करना, और ये हीट गन की मदद से आप देख सकते हैं मुकम्मली हम इसको टाइट कर देंगे और एक प्रोफेशनल बैटरी की लुक आ जाएगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और हमारी बैटरी मुकम्मल रेडी हो जाएगी। जिस तरह मैंने इसको ये किया है कवर, इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता कोई भी बैटरी बनाने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो भाई मेहनत करने के बाद हमारी बैटरी मुकम्मल रेडी हो चुकी है, अब भारी आ चुकी है। इसके साथ मीटर शीटर लगा लेंगे एंड में, और वायर इसकी देख सकते हैं कितनी मोटी हमने निकाली है साथ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और मुकम्मल बैटरी रेडी हो चुकी है, और इसको बड़ी मेहनत हुई है भाई बनाने में। तो अगर आपने अभी भी लाइक शेयर ना किया वीडियो को तो फिर अपने आपके भाई का दिल टूट जाएगा, तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दो भाई। तो अब जो हम इसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगा लेते हैं ताकि इंडिकेशन हो कि कितने वोल्ट की बैटरी और कितने एम्पेयर की बैटरी है, वो लगाने के बाद हमारी बैटरी आप देख सकते हैं बेहतरीन माशाल्लाह से रेडी हुई है। तो भाई गर्मी में जल्दी जल्दी ऑर्डर बुक कराओ। तो लीजिए दोस्तों, देख लिया भाई आपने, कम से कम 2 से 3 दिन की मेहनत है और हमारी बैटरी मुकम्मल रेडी हो चुकी है। रेडी होने के बाद हमने इसको मुकम्मल रेडी कर लिया है, और इसके बाद 2 BMS का इस्तेमाल किया, 64 सेल इस्तेमाल किए हैं, 48 वोल्ट 100 AH की बैटरी बन चुकी है, और साथ में इसके साथ भाई ये तो हिलती भी नहीं है, इसके साथ स्पेशल डेडिकेटेड मीटर लगाया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्पेशल डेडिकेटेड मीटर है, इतनी बड़ी कहीं गिरी ना जाए, और ये मीटर के ऊपर वोल्टेज भी यहाँ पर शो नहीं होंगे, मैं आपको लहदा दिखा देता हूँ कि वोल्टेज कितने शो हो रहे हैं। तो अलहदा मैं आपको दिखा दूँ कितने वोल्टेज हो रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज के लिए स्पेशल डेडिकेटेड मीटर लगाया हुआ है, जैसे आप इसको दिखाते हैं आप देखते हैं 49.0 वोल्टेज हो रहे हैं, बैटरी 50% कम से कम चार्ज है, और जब 100% हो जाएगी तो ये मुकम्मल जो है ग्रीन हो जाएगी, और मुकम्मल बनाने में बड़ी मेहनत हुई है भाई इस बैटरी को। और आप में से कोई ऐसे हैं या जिनको जो है अच्छी बैटरी की तलाश है, जो ड्राई बैटरी या ट्यूबलर बैटरी से तंग आ चुके हैं, वो कहते हैं भाई अब हम अपने 5 kW या 10 kW सिस्टम के ऊपर लगाएंगे लिथियम बैटरी, तो उनके लिए हमारे पास जो है ये ऑफर है कि उनको अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे आपको बैटरी मिल जाएगी, और 48 वोल्ट 100 एम्पीयर, 48 वोल्ट 50 एम्पीयर, 48 वोल्ट 200 एम्पीयर तक की बैटरी हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी कि हम रेडी करके देते हैं, और जल्दी से ऑर्डर बुक करवा लें क्योंकि ईद ऑफर भी आजकल चल रही है, ईद ऑफर में आपको डिलीवरी फ्री मिल जाएगी, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और जल्दी जल्दी रब्ता कर लें ताकि आपको जो है अच्छी प्राइस पे आपको बैटरी मिल जाए। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस बैटरी को बनाने की और इसके अंदर कोई कमी बेशी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं इंशाल्लाह और नई वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर आई होप कि हमारे पास इससे बड़ा ऑर्डर भी आने वाला है 200 एम्पीयर का, तो वो बैटरी भी बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, इस तरह दुआ में याद रखना, और व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, लिथियम सेल BMS वगैरह चार्जर कुछ भी चाहिए तो रब्ता कर लेना। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।